यहाँ मानसून तो स्टार्ट हो गया है और साथ में क्रेविंग्स भी, तो मैंने सोचा आज चटपटा खाने का कुछ मन कर रहा है तो क्यों ना आज घर पे ही दही पापड़ी बनाई जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करके रख ली थी पहले से ही, क्योंकि मेन जो चाट वाट होता है ना उसमें प्रिपरेशन में ही टाइम लगता है, वैसे ही नहीं टाइम लगता असेंबल करने में। तो सबसे पहले हम लोगों ने आलू और चना बॉयल को अच्छे से बॉयल करके उसको अच्छे से मैश कर लिया था। उसके बाद ना दही में चीनी डाल के हमने दही को भी फेंट लिया था और इमली की चटनी हमने बनाई थी और प्याज बहुत बारीक बारीक काटा था। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, हम लोग मिर्च कम खाते हैं तो हमने नहीं डाली। और साथ ही में आप चाहे तो धनिया पत्ती और भी बहुत सारे अनार के दाने उस टाइम पे थे नहीं, आप वो भी डाल सकते हैं। और बारीक सेव आती है एक, वो नमकीन ले लीजिए। उसके बाद बहुत ईजी है, सिर्फ हमने ना पापड़ी बाहर से मंगाया था, पापड़ी में आलू और चना बॉईल को डाल देना, उसमें हमने सिर्फ नमक डाला, ज़्यादा कोई स्पाइसी चटा गरम मसाला चाट मसाला नहीं डाला, आप चाहें तो ज़रूर डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सारी पापड़ी पे ऐसे फिलिंग भरी आलू और बॉईल चना का, उसके बाद उसके ऊपर दही हमने सर्व किया। आप चाहे तो पहले चटनी हरी धनिया की चटनी भी डाल के फिर दही डाल सकते हैं ऊपर से। अब हम इमली की चटनी डाल देंगे खट्टी मीठी, तो इससे थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट आता है जो कि बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद ऊपर से सेब डाल देंगे, तो बहुत इजी से बन गई हमारी दही पापड़ी चाट। और कैसा लगा ज़रूर बताना, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, एक बार खाएंगे तो आप बाबा खाते रहेंगे। और बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अब जितना ज़्यादा ये सब बनाओगे उतना इजी और बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में भी। सो फाइनली रेडी हमारा दही गुपचुप चाट की प्लेट, 40 रुपए की है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और बताना कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट।